हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू टुडे? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो आज हम इंग्लिश ऐसे करेंगे, ठीक है? किसके बारे में? द काऊ। काऊ आप जानते हो ना, आपने देखा होगा आजू बाजू कलर, उसके कितने सारे कलर्स होते हैं काऊ के, पता है ना? तो उसके बारे में हम आज लिखते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान से सुनना है। ओके, अब हमें रीडिंग करने जा रही है, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है ना? तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, द काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो आपको पता है काऊ क्या है? एक डोमेस्टिक एनिमल है। डोमेस्टिक मीन्स पालतू प्राणी। इट हैज टू आईज। पता है उसकी टू आईज है ना, टू ईयर्स, ईयर्स यानी कान, आईज यानी आँखें, फोर लेग्स उसके चार पैर है, एंड अ लॉन्ग टेल उसकी लंबी पूंछ है, ठीक है? तो काऊ क्या डोमेस्टिक एनिमल है, टू आईज उसके, टू ईयर्स, फोर लेग्स एंड लॉन्ग टेल, ओके? उसके बाद इट हैज टू हॉर्न्स। हॉर्न्स हैं टू सिंगड़ा, सिंग होते हैं उसके, उसे हॉर्न्स कहते हैं। द काऊ ईट्स ग्रास। आपको पता है गाय क्या खाती है? घास। इट गिव्स अस मिल्क। वो आपको पता है हमें दूध देती है ना, तो हम क्या कहें? इट गिव्स अस मिल्क। द काऊ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। आपको पता है गाय बहुत ही उपयोगी प्राणी है। क्यों? आपको पता है क्योंकि वो हमें मिल्क देती है। इट और उसके बाद हाँ, गाय का जो गोबर होता है उसका भी सब यूज करते हैं ना। वेरी गुड। इट लाइव्स इन अ काउ सेड। वो कहाँ पर रहती है? काउ सेड। अ बेबी काउ इज कॉल्ड काफ। आपको पता है गाय का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, ठीक है? तब हम तो आपको समझ में आया, आपको अपनी जो फ्लावर्स वाली बुक है ना उसमें लिखना है, आपको जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर जो पार्ट, दो पार्ट करना है उसको। आपको मैंने बताया था पहले ही कि एक भाग में ग्रामर लिखना है और एक भाग में ऐसे लिखना है, ठीक है? उससे पहले हमने कौन से किया था पता है? ऐसे याद है आपको? यस, माई फेवरेट बर्ड पिको का किया था। अब हम क्या करें? ये वाला सेकेंड का होगा, ठीक है? तो मैं वापस से सेकेंड टाइम रिपीट कर देती हूँ वापस से, और आपको मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है? द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। इट हैज टू आईज, टू ईयर्स, फोर लेग्स एंड अ लॉन्ग टेल। इट हैज टू हॉर्न्स। द काऊ ईट्स ग्रास। इट गिव्स अस मिल्क। द काऊ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। इट लाइव्स इन अ काऊ सेड। अ बेबी काऊ इज कॉल्ड अ काफ। आपको पता है गाय को हम माता भी कहते हैं, सब लोग उसको पूजा करते हैं, आपको पता है? वेरी गुड। तब हम गाय के बारे में हमने जान लिया। अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और सॉरी, हाँ, आपका होमवर्क क्या है? आपको ये लिखना भी और रीडिंग भी करना है, ठीक है ना? ओके, बाय एंड टेक केयर।